ये जो संडे का दिन होता है ये काफी गजब का होता है, क्योंकि यार आज मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देता हूँ और आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए हैं जिसके मैं आंसर देने वाला हूँ। और यदि आपके क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में नहीं मिलता तो प्लीज यार गुस्सा मत हो जाना, क्योंकि यदि आप गुस्सा हो गए तब यार मजा नहीं आएगी। और क्या पता आपके क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में कहीं छुपा हो। और यदि आपको तब भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली है, उसे पूरा का पूरा भर दो और मैं कोशिश करूंगा कि यार नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। चलिए फटाफट ज्यादा टाइम पास नहीं करते और पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। और पहला क्वेश्चन है सौरव मात्रे का, Realme 3 Pro में 8GB प्लस 128GB ऑप्शन मिलेगा क्या और इस फोन का क्या प्राइस हो सकता है। वैसे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, Realme के 3 Pro में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है और यहाँ पर आपको 3GB की रैम भी मिल सकती है, 4GB की रैम मिल सकती है और हो सकता है 8GB की रैम आपको मिल जाए। और यहाँ पर जो इस फोन का प्राइस होने वाला है 8GB वाले का, वो हो सकता है 18,000 के आसपास, 18 नहीं और भी कम हो सकता है, क्योंकि Realme को पता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। एक तरफ बैठा है Redmi का Note 7 Pro बहुत अच्छे से और Samsung भी आजकल बहुत अच्छा काम कर रही है और Realme को अब हर एक मोबाइल कंपनियों को टक्कर देनी है। तो टक्कर में सबसे बड़ी बात होती है प्राइस, तो इस बार Realme 3 Pro का जो प्राइस आने वाला है वो काफी अच्छा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी का, भाई Redmi Note 7 Pro लूं या फिर Realme 3 Pro बेस्ट रहेगा। वैसे मेरे भाई ज्यादा टाइम नहीं है Realme 3 Pro को लॉन्च होने में और आपको अच्छी चीजें मिल सकती है वो भी सस्ते प्राइस में, लेकिन आपको ये मैं बता दूं Redmi का Note 7 Pro 14,000 रुपए में बहुत ही किलर डिवाइस है, क्योंकि आपको अच्छी बैटरी मिल जाती है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर मिल जाता है, कैमरा भी अच्छा मिलता है और जो थोड़ी मोड़ी कमियां है ना वो हो सकता है आपको आगे आने वाले अपडेट में सही कर दी जाए। लेकिन आज की डेट में 14,000 रुपए में आपका Redmi का Note 7 Pro बहुत अच्छा ऑप्शन है और अब आने वाला है Realme 3 Pro। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरल ट्यूब का, बेस्ट बजट फोन बता दो प्लीज। वैसे बजट फोन का मतलब मुझे लगता है कि यार 15,000 के आसपास फोन का प्राइस होना चाहिए और 15,000 रुपए में आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। एक तो Redmi का Note 7 Pro जो आपको 14,000 रुपए में बहुत अच्छा डिवाइस मिल जाता है और कहीं आपको Poco फोन सस्ते में मिल जाए तब भी बहुत अच्छा है, और आप यदि Honor Play भी मिल जाए सस्ते में तो आप उस फोन को भी ले सकते हो। और Realme 3 Pro भी बहुत अच्छे सारे चीजें ला रहा है, 15,000 के आसपास सबसे ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फोन लाइन से लगे हुए हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है सोहेल शेख का, भाई MI का A3 कब लॉन्च हो रहा है। वैसे मैं आपको ये बता दूं, अभी लॉन्च हुआ है Redmi का Note 7 Pro, अब आने वाला है Redmi का Y3। वैसे इस फोन में भी आपको काफी अच्छी चीजें मिल सकती है और उसके बाद MI का A3 आ सकता है, जहां पर आपको इस बार ट्रिपल कैमरा मिल सकता है, अच्छी खासी बैटरी मिल सकती है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल सकती है और MI की जो A सीरीज है वो कैमरे के लिए ही जानी जाती है, तो इस बार भी आपको कमाल का कैमरा मिलने वाला है। थोड़ा सा आप इंतजार कर लो, मुझे लग रहा है यार 2 महीने के अंदर आपको MI का A3 मिल जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन है वो है ऑल इन वन का, भाई Realme 3 Pro में फिंगरप्रिंट सेंसर कहाँ होगा। वैसे Realme 3 Pro में जो फिंगरप्रिंट सेंसर होगा ना वो पीछे के साइड ही होगा, लेकिन यहाँ पर पीछे नहीं है, क्योंकि ये जो फोन है ये है Oppo का केवर और यहाँ पर आपको मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, लेकिन आपको जो आ रहा है Realme 3 Pro वहां पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मेरे हिसाब से नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रलय का, Redmi का Note 5 Pro लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, 10,999 में मिल रहा है। वैसे मैं आपको एक चीज सच बता दूं, 2018 का सबसे किलर डिवाइस रहा Redmi का Note 5 Pro और इसी की बदौलत ही मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन हुआ, जहां पर एक तरफ Asus भी आ चुका है, Samsung भी आ चुका है, Honor भी आ चुका है, लेकिन आज की डेट में Redmi का Note 5 Pro 11,000 रुपए में वर्थ नहीं लग रहा है और मेरे हिसाब से इस फोन का जो प्राइस होना चाहिए वो 8,000 के आसपास हो जाए ना तब मजा आ जाएगी, नहीं तो Xiaomi को इस फोन को अब बंदी कर देना चाहिए। बट यार Xiaomi को तो स्टॉक क्लियर करना है, तो इस फोन को भी बेच रहे हैं, Redmi के Note 6 Pro को भी बेच रहे हैं और साथ में Redmi Note 7 Pro की सेल चली रही है, और जिन लोगों को ये फोन नहीं मिलता ना तो वो इधर उधर के फोन ले लेते हैं। अब क्या बताएं ये फ्लैश सेल वाला ड्रामा कब खत्म होगा। और जो अगला क्वेश्चन है वो है ऋषभ अरोड़ा का, Samsung M30 Redmi Note 7 Pro से बेटर कौन सा होगा।
मतलब इन दोनों फोन में जो बेटर होगा ना वो है Redmi का Note 7 Pro, जहां पर आपको कमाल की हर एक चीज मिल जाती है। लेकिन Samsung का जो M30 है वो भी बुरा डिवाइस नहीं है, क्योंकि यार आपको M30 पे अच्छा खासा कैमरा मिल जाता है, वो भी ट्रिपल वाला, साथ में जो प्रोसेसर है वो भी ठीक ठाक है, आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है। और यदि आपको चाइना के फोन नहीं लेने तब तो यार आपके लिए Samsung M30 बहुत अच्छा ऑप्शन है। और यदि आपको Xiaomi से प्यार है और आपको बहुत कुछ लेना है तो आपके लिए Redmi का Note 7 Pro भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जो अगला क्वेश्चन है वो है गनेर का, प्रोसेसर किसका अच्छा है, Redmi Note 7 Pro या Realme 3 Pro? वैसे Redmi के Note 7 Pro में जो आपको प्रोसेसर मिलता है Snapdragon का 675, ये काफी कमाल का है। और जो Realme 3 Pro आने वाला है वहां पर आपको मिल जाता है Snapdragon का 710 और वो प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो रेटिंग है, जो यहाँ पर स्कोर निकल के आता है, वो 675 का ज्यादा अच्छा आता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यार एक 19 है और एक 20 है, लेकिन इन दोनों फोन में जो परफॉर्मेंस होगी ना वो काफी कमाल की होगी। और जो अगला क्वेश्चन है यह है सचिन कुमार का, भाई ऑनर का 8X कैसा है बैटरी एंड परफॉर्मेंस के मामले में? वैसे ऑनर के 8X का जो प्राइस है ना वो अब कब हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको किरिन का 710 मिलता है, काफी कमाल का प्रोसेसर है, लेकिन ऑनर का प्ले भी इसी के आसपास आ जाता है ऑफर में। तो भैया मेरे हिसाब से यार यदि आपको ऑनर से प्यार है तब आप इस फोन को ले सकते हैं, और यदि कहीं आपको ऑनर का जो प्ले मिल जाए सही प्राइस में तब आप उसे ले सकते हैं। उज्जवल जायसवाल पूछ रहे हैं कब आ रहा है Redmi का Y3? वैसे Y3 बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, और यहाँ पर आपको जो सेल्फी कैमरा होगा वो काफी कमाल का हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज और अच्छी होगी, इस बार आपको ये फोन मिल सकता है 8,000 से 9,000 के आसपास, और ये फोन अगले एक महीने के अंदर इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तब पता चलेगा कि भैया मार्केट में अब और क्या क्या हल्ला होने वाला है। और जब ये फोन लॉन्च होगा तब आपको इसी चैनल पे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि आपको ऐसे वीडियो देखने हैं। और अगला जो क्वेश्चन है ये है गौरव जोन, ना भैया वो वाले गौरव जो नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये भाई का एक नाम होगा। भाई Realme 3 Pro का प्राइस क्या होगा? और एक और क्वेश्चन था वो भी राजन ने कहा था, Realme 3 Pro का प्राइस 11,999 होगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है यार इस फोन का जो प्राइस होगा वो 14,000 से कम हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है और 13,000 भी हो सकता है। और भाई ने सही कहा है, यदि Realme को अच्छा खासा कंपटीशन और तैयार करना है और मार्केट में Redmi Note 7 Pro को किल करना है तो इस फोन का प्राइस कम होना चाहिए। और Realme भी अच्छी तरह जानता है कि भैया आजकल हल्ला है Redmi के Note 7 Pro का, तो यार इस बार उस फोन का जो प्राइस है ना वो काफी तगड़ा आया है, 14,000 रुपए। तो इस फोन का जो प्राइस आने वाला है Realme 3 Pro का, ये 14,000 से कम ही आएगा। अगला क्वेश्चन है रन मशीन का, Realme 3 Pro कब आ रहा है? आपको तो पता होगा, अरे मेरे भाई ये पूरे इंडिया को पता है कि ये फोन लॉन्च हो रहा है 22 अप्रैल को, वो भी दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे लॉन्च होगा। और Realme का जो टारगेट ऑडियंस है वो है यूथ, तो भैया वहां पर ये हल्ला गुल्ला करके Realme 3 Pro लॉन्च करने वाले हैं, और बहुत ही कम टाइम बचा है इस फोन को लॉन्च होने में। तो यदि आपको फोन चाहिए तो थोड़ा सा इंतजार करो, तब आपके सामने हर एक चीज बिल्कुल खुली किताब की तरह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोनू कुमार का, Realme Android One प्रोग्राम के साथ क्या कोई फोन लाएगा? वैसे मुझे लग रहा है यार कि अभी तो नहीं लॉन्च होगा, लेकिन आगे आने वाले महीनों में आपको Realme की तरफ से Android One का भी कोई ना कोई फोन देखने को मिल सकता है, क्योंकि MI का जो A सीरीज है ये One प्रोग्राम के साथ आता है। और Realme को यार Xiaomi को टक्कर देना है तो ये भी कुछ ना कुछ लाएंगे, और कुछ अलग करने के फिराक में अब Realme लगा हुआ है, क्योंकि इस बार जो Realme का 3 Pro आने वाला है यहाँ पर आपको वूक चार्जिंग मिलने वाली है, वो भी सही प्राइस में। अगला क्वेश्चन है रासुल नाच का, भाई आप 2 दिन कहाँ थे, आपके वीडियो नहीं आए और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थैंक यू सो मच यार आप इतना प्यार करते हो। 2 दिन यार मैं अपने घर को यार समेटने में लगा हूँ, क्योंकि मैं नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ, यहाँ पर बहुत सारा काम बाकी है, AC लगी नहीं है, गर्मी में पसीना चू रहा है, ऊपर फैन चल रहा है, पीछे अभी कुछ हुआ नहीं है, लैपटॉप यहाँ रखा है, मतलब बहुत सारे काम पेंडिंग है। और धीरे धीरे करके मैं सेटअप बना रहा हूँ, और बहुत ही जल्दी कुछ नया सेटअप के साथ, कुछ नए चीजों के साथ आने वाला हूँ। तो आप यार ऐसे ही बने रहो, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और ऐसे ही वीडियो देखने हो तो एक बार लाइक भी ठोक देना। और जो अगला क्वेश्चन है वो है दिनेश का,
Zenfone Max Pro M3 Realme 3 Pro से अच्छा होगा कि नहीं होगा। वैसे मुझे लग रहा है कि यार इस बार जो Zenfone Max Pro M3 आने वाला है ये Redmi के Note 7 Pro को और Realme 3 Pro को टक्कर देगा, और अभी तो ज्यादा लीक नहीं आए हैं। वैसे जब लीक आएगा तब मैं आपको जरूर बताऊंगा कि यार इस बार आपको Zenfone Max Pro M3 में क्या कुछ मिलने वाला है। और सबसे आखिरी में जो क्वेश्चन है ये है जशांत सिंह का, क्या Realme 3 Pro 5G होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई, क्योंकि ये फोन का जो प्राइस है वो काफी कम होने वाला है और इनको टक्कर देना है Redmi के Note 7 Pro को, तो यार वहां पर भी आपको 5G नहीं मिलता, आपको वहां पर 4G मिलता है। तो भैया आज की वीडियो में मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, और यदि आपके क्वेश्चन के आंसर अभी तक नहीं मिले तो नीचे कमेंट कर दो, और यदि आपको ऐसे वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दोगे तो काफी मजा आ जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।